स्कूल में या किसी गांव में जाके मेडिकल कैंप करते थे, लेकिन इस बार ऐसा डिसीजन लिया गया कि कैंप में नहीं, हम लोग तो ऑफिस में ही इसका इंतजाम किया है। तो इसके लिए काफ़ी तैयारी हो रही है, काफ़ी दूर तक प्रचार किया जा रहा है, दो तीन दिन से बाइक पर ले करके दूर दराज में। आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपने प्रेस मीडिया के थ्रू लोगों को जानकारी दें कि 21 तारीख को रविवार को यहाँ पर एक कैंप बनने जा रहा है, जिसमें कहीं कहीं सभी विशेषज्ञ यहाँ पर रहेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनका ये जांच कैंप करता है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो आ करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जांच करवाएं। तो सर, ये आगामी 21 तारीख को जो स्वास्थ्य जांच शिविर हो रहा है रेड क्रॉस में, काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके का जांच शिविर लगाया जा रहा है, तो कितने डॉक्टरों का टीम इस स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल रहेंगे? तो 16 डॉक्टर का टीम रहेगा सर। क्या क्या होगा उसमें, दवाएं वाएं जो होती हैं? दवाई की व्यवस्था की गई है, जाँच की भी की गई है और वैसे बहुत ज़्यादा कैसे आदमी होंगे जिनको जाँच की ज़रूरत है, जैसे शुगर की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो, उस तरह की जाँच की जरूरत है। सब कुछ निःशुल्क होगा सर? यानी रेड क्रॉस के द्वारा लंबे समय के बाद एक बहुत विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? रेड क्रॉस में वित्त समिति के द्वारा ये बात लाई गई और ये समझदारी हुई कि निःशुल्क सेवा केंद्र लगाएगा। उसमें 16 डॉक्टर्स रहे हैं सब विभाग के, जैसे फिजिशियन में कैंसा है, आग में रूका साहब है, बच्चे में बेटा बाबू है, पीसी है, बहुत सारे डॉक्टर हैं और पैथोलॉजिस्ट का भी कुछ व्यवस्था रहेगा, उनको जाँच हो जाए शुगर का, फोटोग्राफी तो नहीं हो पाएगा, फोटो लिया दे दिया, ये सारा व्यवस्था किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है रेड क्रॉस के द्वारा, बोला जा सकता है, बताया जाए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस शिविर के बारे में? स्वास्थ्य जांच शिविर लगा रहे हैं रेड क्रॉस में इस भावना के साथ कि हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करें। समाज के वो लोग जो वंचित हैं, दलित हैं और जिन लोगों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है कि जो अपनी बेहतरीन चिकित्सा हासिल कर सके, वैसे लोगों के लिए यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया। ये रेड क्रॉस आरा ब्रांच बराबर इस प्रकार के जनहितकारी कार्यों में संलग्न रहा है और हम लोग लगातार इस तरह के कार्य जैसे ब्लड डोनेशन ये सब करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ जो सुविधाएं हम लोग यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इस बात के प्रति सचेत हैं कि हमारी जो सामाजिक जिम्मेवारी है उसको हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में गांव में भी ले जाएं और इसके विषय में भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा जो ये कैंप आयोजन की समिति है उसके संयोजक डॉक्टर एस के रूटा, डॉक्टर रूटा साहब ने अथक प्रयास किया है और हमारे रेड क्रॉस सेक्रेटरी डॉक्टर विभा कुमारी ने भी बहुत प्रयास किया है और हम लोग अपने तरी प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ ACMO भोजपुर जिले के ACMO डॉक्टर KN सिन्हा भी हम लोगों के बीच में हैं और इन लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी भागीदारी और अपना सहयोग देने का पूरा वादा किया है। और सर, बताया जाए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है रेड क्रॉस में भोजपुर ही नहीं, शाहबाद जनपद और आरा का सभी लोग जानते हैं और तमाम दुनिया के लोग जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक पीड़ित मानवता की सेवा में हर तरह से अग्रसर रहता है और तत्पर रहता है। उसी की कड़ी में हमारा भोजपुर जिला इकाई जो है रेड क्रॉस का, वो हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा करता है। हर जगह हम लोग कैंप लगाते रहते हैं और हर जगह जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है तो हम लोग रेड क्रॉस के द्वारा उसमें हम लोग हाजिर रहते हैं सेवा के लिए। उसी क्रम में अभी चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो हर अपने अपने स्तर से हर लगभग लोग सेवा कर रहे हैं तो हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी
जो कि एक स्पेशल टाइप का ये कैंप करेगा वैसे लोगों के लिए जो हमारे वर्जित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन जो उनको सुविधा नहीं मिल पाती है बड़े डॉक्टरों के पास लाइन लगाने में या दवा की, उनको लिए स्पेशल रूप से हम लोग हम लोग का रेड क्रॉस का एक योगदान है अमृत महोत्सव के अवसर पर। तो दवा हुआ सर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा उस दिन? जी हाँ, इस क्रम में हमसे भी रेड क्रॉस सोसाइटी के हम मेंबर भी हैं और एज ए SCMO भी हमसे बताया गया हमको, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में सदर अस्पताल में SCMO CSR से हम लोग मिलकर आ रहे हैं और वहाँ सदर अस्पताल से पूरी हम लोग की टीम जो है वो स्टाफ की टीम, नर्सेज की टीम और दवा भी वहाँ समुचित मात्रा में हम लोग रहेंगे। यहाँ जो भी हमारे शिविर में गरीब जनता लोग आएंगे, जो भी आएंगे उनको भरपूर इलाज के साथ डायग्नोसिस के साथ दवाइयाँ भी दी जाएंगी और उनके रोग का जांच भी किया जाएगा। और ये जब छोटा सा ये शिविर है, एक दिन का शिविर है, मान लीजिए पूरे दिन का शिविर है, लेकिन इसमें जागरूकता हम लोग पैदा करेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहे, क्योंकि एक दिन के इलाज से बहुत ज़्यादा कष्ट किसी का दूर नहीं होगा, लेकिन उनको तत्काल दवा देने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हम लोग करेंगे कि कैसे आप लोग स्वास्थ्य प्रति अपना देखभाल करें, आगे कैसे बीमारी आपको नहीं हो और कब मौका पड़ने पर आप डॉक्टरों की शरण में जाएं, उनका सेवा लें, इसके लिए हम लोग जागरूक करेंगे। बहुत बड़ा विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है रेड क्रॉस में, कौन कौन से डॉक्टर होंगे और किस किस विभाग के होंगे सर? इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि इस शिविर में लगभग सभी विभाग के लोग रहेंगे और पूर्व में भी हम लोग इस तरह का शिविर लगा चुके हैं, पेरिफेरी में भी आ रखे और यहाँ भी, लेकिन इस सत्र का ये पहला शिविर है जो कि बड़े पैमाने पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगाएंगे। इसमें शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में वरीय चिकित्सक डॉक्टर बी एन यादव, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर सतीश सिन्हा, डॉक्टर मधुकर प्रकाश रहेंगे। उसी तरह फिजिशियन में डॉक्टर टी पी सिंह, डॉक्टर के एन सिन्हा, जनरल सर्जरी से डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर पी सिंह ने सहमति दी अपनी, दंत चिकित्सा में डॉक्टर रंजना वर्षा, डॉक्टर प्रतीक, नाक कान गला विभाग में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हमारे उसके विशेषज्ञ हैं और चर्म रोग में डॉक्टर राजीव रंजन हैं, आई में मैं डॉक्टर एस के रूटा और डॉक्टर कन्हैया सिंह ने सेवा देने की स्वीकृति दी है, हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य हड्डी रोग विशेषज्ञ भी यहाँ रहेंगे, गायनी में स्त्री रोग में डॉक्टर शालिनी सिन्हा और डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सहमति दी है। इन 16 चिकित्सकों ने तो सहमति दी ही है, इसके अलावा भी कई चिकित्सक आएंगे जो कि अपना सेवा देंगे और एक सारे लोग सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और जहाँ तक दवाओं का संबंध है, देखिए जितना संभव हम लोगों से होगा उतना हम लोग देंगे, कंप्लीट सारी दवा तो संभव नहीं है, सारी दवा तो सदर अस्पताल में भी नहीं संभव हो पाती है, लेकिन कुछ दिन मेन पर्पस जैसे कि हमारे SCMO साहब ने, डॉक्टर के एन सिन्हा जी ने बताया और चेयरमैन सर ने और राय सर ने बताया कि इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट सोच के नहीं, ये जागरूकता फैलाने का शिविर होता है और जो फर्स्ट एड टाइप का चीज़ होता है वो हो जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आपको फला बीमारी है और इसका कैसे इलाज होगा कहाँ। यानी ये शिविर काफ़ी लाभकारी होगा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ज़्यादातर? मैं चाहूँगा कि इस अवसर का लोग लाभ उठाएँ और आप बंधुओं से, मीडिया बंधुओं से विशेष निवेदन है कि आप जितना इसका प्रचार करेंगे, जितना इस बात को लाइमलाइट में लाएंगे, उतने लोग लाभान्वित होंगे और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग के इस आयोजन का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हों। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है, उसमें आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पीड़ित मानवता की सेवा में हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी अग्रसर है और इसी कड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप, नए बसेस के द्वारा कैंप ऑर्गेनाइज कर करके ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है और जहाँ तक पीड़ित मानवता की सेवा में हमारे जितने भी टीम में डॉक्टर्स हैं उसकी लोगों के द्वारा 21 तारीख को बृहत पैमाने पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जहाँ तक हो सकेगा हम लोग मरीजों को आह्वान करेंगे कि वे कृपया आएं और इस जो फ्री कैंप है उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स रहेंगे, जहाँ तक हो सकेगा दवा की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाने की संभावना है, जितने हद तक हो सके हम लोग आउट ऑफ वे जा करके कुछ दवा कंपनियों से, फिर सरकारी स्तर पर भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी मिल रही हैं, इन सभी के माध्यम से आज एक बृहद पैमाने पर मेगा हेल्थ कैंप लगाने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और आपके माध्यम से हम सूचित करना चाहेंगे आम जनता को कि जिन लोग भी इसका लाभ लेना चाहें, सभी विभाग के चिकित्सक वहाँ उपलब्ध रहेंगे, आप वहाँ आएँ और इसका लाभ उठाएँ।